गाइस मैं आपकी भाभी से हो चुका हूँ नाराज़, क्योंकि उसने तो बिल्कुल भी गाना सुनाया ही नहीं। अगर आपको गाना सुनना है तो कमेंट में बताइएगा कि आपकी भाभी को गाना गाना चाहिए या नहीं। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? नहीं, ये तो गाना सुनाएंगी तो ठीक है, वरना मैं बात नहीं करूँगा इनसे। और आप भी कमेंट में बताएं, बात करूँ नहीं करूँ, ये गाना नहीं सुना रही मुझे। हाँ, ज़बरदस्ती है। आज का वीलोग अगर आपको पसंद आया संडे मॉर्निंग का, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बहुत सारा प्यार कीजिएगा। आप सबके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपके भाई को। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तुम तो बस यही करते रहो, कल वाली वीडियो में भी यही किया तुमने मेरे। तो बंदा आवाज़ तो निकालता है, अल्लाह हाफिज। आवाज़ तो निकाल लो, आवाज़ निकाल लो। तो निकल तो रही है अभी, अब निकली पूरी वीडियो में निकली है, अब निकली है। बताओ गाने के नाम से। अब बताओ चैनल को क्या करना? मुझे क्यों मरवाते और दफा? चैनल को क्या करना? लाइक और कुछ भी कर दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब आवाज़ निकली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर संडे व्लॉग। गाइस हमारी सुबह हो चुकी है, सुबह हमारी हुई है तकरीबन 1:30 बजे। मेरी सुबह तो हो गई लेकिन आपकी भाभी की नहीं हुई है, क्योंकि वो सोई हुई है। आपकी भाभी मज़े से खराटे लेते हुए सो रही है। मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने, नाश्ता आपको लेके शेयर करता हूँ आपके साथ। और धूप आज बहुत ज़्यादा हो रही है, ये नीचे देखें, हमारे घर के नीचे काव आ चुकी है। और धूप बहुत तेज़ धूप भी हो रही है और साथ ही साथ हल्का फुल्का बादल भी है। नाश्ता लेने जा रहा हूँ आपके साथ, शेयर करता हूँ नाश्ते में क्या लूँगा, मेरा नाश्ता क्या होगा और आपकी भाभी का क्या होगा। ये हमारी बिल्डिंग का टाइगर है, इसकी और कोई जगह नहीं है, यहीं बैठता है टाइगर। ये है मेरी धन्नो, बुरे वक्त की मेरी साथी, इसलिए इसको मैं नहीं छोड़ता। बाइक्स तो और भी है मेरे पास लेकिन मैं चलाता यही हूँ। तो ये आपकी भाभी का नाश्ता, ये रेडी हो रहा है। मैं लेने तो आड़ू आया था लेकिन आड़ू का जूस यहाँ पे नहीं मिल रहा, कह रहे आड़ू ख़त्म हो गए हैं, तो अब मैंगो जूस बन रहा है। ये भाई रेडी कर रहे हैं मैंगो जूस रेडी करके। ये है आपकी भाभी का नाश्ता, लेकिन ये है एक नाश्ता फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। नाश्ता असल तो होगा वो होगा हमारा पराठों से। अब यहाँ मेरा और आपकी भाभी का नाश्ता रेडी हो रहा है। ये नाश्ता बना रहे हैं हमारे पठान भाई, ये इनकी तरकारी है, पराठा है, अच्छा होता है। तो डेली इनका नाश्ता हमारे घर पे जाता है यहीं से। ये पराठे रेडी हो चुके हैं, ये हमारा मामा है, ये डाल रहे हैं पराठा थैलियों में। मामा क्या नाम है तुम्हारा? मंजूर अहमद। हैं? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद, माशाल्लाह। तो ये रेडी हो चुका है, अल्लाह हाफिज़। फाइनली मैं नाश्ता लेके पहुंच गया अपने ये गेट बाजार। भाभी आपकी खोलो, गेट खोल दो। उठ गई, सुबह हो गई तुम्हारी हैं? ओए यार, बाहर धूप भी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप भी है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। समझ नहीं आ रहा करे क्या। ओह हा, बहुत तेज़ धूप चल रही है बाहर, बाहर धूप भी बहुत तेज़ है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन क्या है ये मौसम। चले गाइस, अब हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके आपसे अपनी आगे की रूटीन शेयर करते हैं कि आज संडे है और करना क्या है। तो ये रहा हमारा नाश्ता, नाश्ता हमारा रेडी है और आपकी भाभी भी रेडी है ना होने के बराबर। नाश्ता कर लें, नाश्ता करके फिर आपसे बात करते हैं। आज आपकी भाभी सॉन्ग सुनाने वाली है, आज आपकी भाभी गाना सुनाएगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या मजाक।
आंखों में नींद चेक करो, ये अभी भी 2 बजे मैडम सो के उठी हैं और इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। हाँ, कैमरामैन के सामने उठते ही कैमरामैन के सामने, क्योंकि कैमरामैन की सुबह 10 बजे हुई, फिर देखा सोई हुई है तो वो वापसी सो गया, फिर 11:30 बजे हुई, फिर देखा ये मैडम सोई हुई है, फिर मैं वापसी सो गया, फिर मैं उठा 12:30 बजे दोबारा उठा, ये मैडम फिर सोई हुई थी, मैं फिर सो गया, दोबारा सो गया, फिर मैंने लेटा हुआ था, फिर मेरी आँख लगी ही नहीं, फिर मैं उठा 1:15 बजे मेरी आँख खुली, मैंने कहा अब उठ जाओ, अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, उठ के जाऊँगा नाश्ता लाऊँगा तो ये मैडम उठेंगी, और अभी भी इनकी सुबह नहीं हुई है, इनकी आँखों में नींद भरी हुई है, ये देखो। बहुत नींद आ रही थी सुबह। हाँ सुबह, मैंने बोला था सुबह सो, 2 बजे मैंने बोला था लिस्ट बनाने बैठो। हैं? हाँ 2 बजे मैं लिस्ट बनवा दी। अब मेरा प्रोग्राम तो है कि मैं जाऊँगा 1 घंटे में, आधे से 1 घंटे में जाऊँगा, कुछ सामान घर का लाना है वो लेकर आऊँगा, फिर जब तक आपकी भाभी हमें गाना सुना रही है, ये सुना दो, कौन सा सुना रही हो? सपना, नेहा कक्कर। कोई सभी गाना नहीं सुना रही हूँ। क्यों गाना नहीं सुना रही भाई? नहीं यार आप बताओ। नहीं गाना आता है, इसने मुझे सुनाया है व्हाट्सएप पे, पर्सनली अकेले में सुनाया है, कॉल पे अकेले में सुनाया है, वो भी मैंने ब्लैकमेल करा उसके बाद, तो बस हो गई बार बार ब्लैकमेल होती रहूंगी। ये अब आज आप लोग कैमरे पे ऑनलाइन सुनाएंगी? नहीं कोई आता ही नहीं है। क्यों आता है? वो कौन सा गाना था जो तुम गाती थी, जो पसंद भी था तुमने लिख के भी मुझे सेंड किया था? अच्छा गाना है यार, वो उसकी फिल्म का है ना, शायद श्रद्धा कपूर की फिल्म का है। अरिजीत सिंह का गाना भी तुम एक गाती हो बहुत, वो वाला गाना कौन सा था ना? नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, शुरू का वर्ड बताओ मैं पूरा बता दूंगा फिर। तुम अक्सर लिख कर भी सेंड करती थी, तुमने मुझे वॉइस पे भेजा भी था, वीडियो को वीडियो पे भी तुमने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा था। हाफ गर्लफ्रेंड का कौन सा? एक तो आपको अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सॉरी तो गाने का वर्ड बताने में सॉरी, बाकी याद नहीं आ रहा शुरू में क्या। लो भाई कोई बीच पर बता दो क्या था, शुरू का याद नहीं आ रहा था। गाने वाने नहीं आते? क्यों नहीं, झूठ नहीं बोलो बस, हमारी ऑडियंस से झूठ मत बोलो, वो हमसे मोहब्बत करती है, तुम झूठी हो। तुम उनको झूठ बोल रही हो। गाने आते ही हैं? गाने आते ही? आवाज़ नहीं आ रही। गाने नहीं आते, झूठ, सफ़ेद मुंह पे काला झूठ, काला काला झूठ बोल रही हो। आप सुना? मैं कोई गाना नहीं सुना रहा सब। हाँ तो मैंने सुनाई है तो अच्छी लगती है, तुमने सुनाई ही नहीं है। मैंने सुनाई है क्यों भाई? मैंने सुनाई है तो अच्छी लगती है ना भाई, तो अब आपकी भाभी सुनाएंगी तो भी अच्छी लगेगी, जो बात है सुनाना तो बनता है। देख लो ये संडे के दिन ये हो रहा है गाना, एक छुट्टी के दिन, पूरे हफ्ते में एक संडे के दिन मैं घर में होता हूँ, वो भी समझो 3-4 बजे तक होता हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं होता, उसमें भी मुझे ये गाना नहीं सुना सकती। दिल तो आज बाहर जाने का कर रहा था, मगर क्या करें, आपकी भाभी अभी कहीं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए हम घर में ही हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सेहत शिफा तंदरुस्ती के साथ हमें एक नन्ना मुन्ना गोलू मोलू या नन्नी मुन्नी गोली गोलू मोलू गोली बोली या नन्नी मुन्नी गोलू मोलू, दो में से जो भी थे अल्लाह सेहतियाबी तंदरुस्ती शिफा के साथ दे, आमीन। नन्नी मुन्नी गोली मोली, ये मेरी गोली मोली है, अब ये इस गोली मोली में से क्या निकलेगा मुझे नहीं पता। क्या निकलेगा? मतलब हमारा बेबी यार, और क्या बोलो ना, मतलब हमारा बेबी क्या होगा, बेबी होगा या बाबा होगा क्या होगा पता नहीं, बता दो यार। देखो वो भी दीवानी में दीवानी वाले गाने चल रहे हैं बाहर, चलो यही सुना दो। सजन की दीवानी
दीवानी मैं दीवानी। सुना दो, मेरी उंगलियां चटकाने का नहीं बोला मैंने, मैंने गाने सुने आता है। चलो कोई शेर सुना दो। वो तो कभी आते ही नहीं है, मतलब वो तो कभी आते ही नहीं है, गाना फिर भी आता है, यही करना चाह रहा था मैं। देखो देखो किस किस को नेहा से गाना सुनना है, कमेंट्स में मुझे कमेंट करके बताओ। नहीं बताना। बताना बताना किस किस को नेहा से गाना सुनना नहीं, है नहीं बताना। हाँ बताना बताना, नाराज़गी के साथ जाहिर करना कि किस किस को नेहा का गाना नहीं, सुनना नहीं, आपकी भाभी आपको गाना सुनाएगी। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। जी जी बिल्कुल सुनाएंगी, बिल्कुल सुनाएंगी, देखना ये मुझे बोल रही है वो वाला गाना सुना, उसका हूँ उस, मैं हूँ उसका ही बोलूँगा, ए खुदा वाला। हाँ वो ए खुदा वाला गाना ये सुनाएंगी। हाँ। जो ये मुझे गाने का बोल रही है वो ये खुद सुनाएंगी। हार्ड गाना, हार्ड गाना कोई हार्ड नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जो हार्ड काम था ना वो हम दोनों की शादी करना था, जिसमें हमने बड़े फड्डे करे एक दूसरे से भी और दूसरों से भी और कर ली। अब गाना सुनाना बाकी है। एक दूसरे से भी किए? हाँ क्यों नहीं किए, एक दूसरे से भी करे। तुमने किए? हाँ बस तुमने किए, सब मैंने ही तो करे, ये बात तो है। सब सबसे बड़ा हाथ किरदार मेरा ही है हमारी शादी में, इन मैडम का कोई किरदार नहीं है। इनका 10 में से 20% इनका किरदार है, 80% मेरा किरदार है, मैडम का कोई किरदार नहीं है, 20% है सिर्फ। क्या? इनके पापा को राज़ी करना बस, उसमें भी 20 में से 10% मेरा है। कोई नहीं, उन्होंने बात की है और मैंने राज़ी कराया, उन्होंने मेरा बताया और मैंने राज़ी कराया बात करके, 110% ऐसा ही था। याद कर लो, याद कर लो, इनके मम्मा पापा मेरे घर पे आए थे इनकी बात सुनने के बाद। तो फिर किसने बात की थी और कितनी देर बात की थी? बस बस रहने दो, इसमें भी फिर ये मुझसे लड़ती है। इतना मोहब्बत, इतना प्यार करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझसे लड़ती है। ईमानदारी बता दो कौन लड़ता है? एक गाना तक तो मुझे सुना नहीं रही है, देखो बस ये बोलो ना तुम, एक गाना भी सुना रही है। हालत देखो मेरी क्या हुई है, मेरे हाथ का कलर देख रहे हो, मेरे हाथ का ये कलर था जो ब्लैक एंड वाइट ऐसा हो गया। तो ये मैंने किया बाइक पर, ये देखो नीचे की कलाई से देखो, ये हाथ और ये देखो कितना फ़र्क आ गया। साफ हो जाता है वो तो, साफ हो जाता है जब मैं बाइक चलाना कम कर देता हूँ तो साफ हो जाता है। ठीक है सुना दो, सुना दो, सुना दो। कौन सा तेरे धोखे ने मेरी सजना मैंने मार मुखाया। तुम्हारी भाभी को छेड़ने के लिए मैं एक गाना गाता हूँ। नहीं 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 वो वाला नहीं। तो मैं वो गाना इनको डेडिकेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे गाना नहीं सुना रही है, इसलिए मैं ये गाना इनको डेडिकेट कर रहा हूँ, इन्हीं को करूँगा। जी 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 जो बोला वाला सुना। तेरे धोखे ने सजना मैनु मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों है आया, जगनू रुलाया मैं तैनु हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी यादा सहारे मैं जीते लवांगी, जहर जुदाई दा पीते लवांगी, गम तू सी दिता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले। रातानू यादा दिछावे बेके, मैं तस्वी करा तेरा ना लेके, थक गई असारे मैं दुखड़े सहके,
आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के। मेरी बंजर अखियां नू रफ्यार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों है आया। मुंह चेक करो, ये गाना सुनाने के बाद मुंह चेक करो, मुंह कैसा हो गया। हाँ, अब इसके देखो, मुझे पता था मैं कोई नेगेटिव सॉन्ग सुनाऊंगा तो शायद ये मैडम बदला लेने के लिए दोबारा कुछ रिप्लाई देंगी। अब सुनाओ, तुम कौन सा सुनाने का बोल रही थी? अब तो नहीं सुनाऊंगी, तुमने इसलिए किया था। नेगेटिव गलती हो गई यार।